नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 14 मार्च 2022 दिन सोमवार, जानते हैं अदरक का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में अदरक की कितनी गाड़ियाँ हैं, जान लेंगे आज की अदरक की मंडी में क्या कुछ पोजीशन है। जो स्पेशल अदरक के बेचने वाले भाई साहब हैं, जानते हैं कहाँ का माल है इनके पास। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का अदरक का अपडेट करो, मंडी में कितनी गाड़ियाँ जी? टोटल दिल्ली जाजपुर मंडी में 44 गाड़ी हैं। 44? हाँ जी, 8 गाड़ी दीमापुर है, बाकी बेंगलोर है। अच्छा जी जी, और बेंगलोर बिक्री है 28 से लेके 32 रुपीस। अच्छा जी। हाँ जी, असल के बढ़िया बेलूर माल आ रहे हैं, वो 32 रुपये बिक रहे हैं, 31-32-33 रुपये। अच्छा। और शिमोगा शिकारीपुर क्वालिटी बिक्री है 28-29-30 रुपये। अच्छा जी। और दीमापुर की क्वालिटी जो बिक्री है हल्की क्वालिटी 20-21 रुपये, बढ़िया माल 24-25 रुपये। अच्छा जी। हाँ जी, तो परसों के मुकाबले आज के बाजार में क्या डिफरेंस है जी? आज माल आवक ज़्यादा है सर। अच्छा जी। आवक ज़्यादा है, होली का माहौल है, छुट्टी का माहौल है। मोस्टली ग्राहक जो हैं अपना पूर्वांचली भाई जो अपने हैं और बिहार से रिलेटेड जो व्यापारी हैं, हाँ जी, अपने जो ग्राहक निकल जाते हैं, थोड़ी बिक्री कम है। अच्छा, छुट्टी पे गए जी? हाँ, बिक्री कम है। अच्छा, डायरेक्ट गाड़ियाँ लग रही हैं, पंजाब के अंदर गाड़ी लगी है, ओखला में 4 गाड़ी लगी हुई है, साहिबाबाद लगी हुई है, पंजाब में डायरेक्ट गाड़ी होने के कारण। पीछे 2-4 दिन पहले तो एक बार तो थोड़ा सा रेट में इसके करंट आया था। नहीं, पिछले 15 दिन बाजार ठीक रहा था। हाँ जी, अभी ये सप्ताह को छोड़ के पीछे बाजार ठीक रहा था। अच्छा, बाजार हो गया था 33 रुपए से लेके 38 रुपए तक। अच्छा जी। लेकिन अब फिर दोबारा पीछे गाड़ियां कम आ रही थी, 20-25 गाड़ी आती थी। हाँ जी। अब 44-45 गाड़ी आ रही है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर आज माल क्लियर हो जाएगा जी सारा? ये नहीं, बैलेंस रहेगी, 10-12 गाड़ी बैलेंस रहेगी। अच्छा जी, तो इन दिनों में तो नहीं खराब होता जी, वजन तो कम होता होगा इसका? हाँ, वजन कम होता है, गर्मी बढ़ गई है। हाँ जी। हाँ, वजन कम हो जाता है जी। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, तो परसों के मुकाबला थोड़ा सा बाजार नरम ही है जी आज? नरम रहेगा, 60 किलो की बोरी जो है यहाँ के 58 किलो उतरती है। अच्छा जी। हाँ, 2 किलो गाड़ी सूख जाती है, 1 किलो काट देते हैं। अच्छा जी, और जो माल ना बिके जी फिर अगले दिन तक उसको और वजन कम होगा जी? हाँ, वो कम होगा जी, बेचना तो है उसको। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट? मेरी दुकान का नंबर है 8242, लाइसेंस नंबर बी फॉर बॉम्बे 4656, ओम साई जिंजर ट्रेडर्स राजू कोहली। और मोबाइल नंबर है 9810123534, दूसरा नंबर है 9810121934। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया जनाब। तो बात करते हैं नींबू की, जानते हैं नींबू का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों बात ऐसे है, माल बहुत ही कम है नींबू में, बोलियाँ बालियाँ तो अब चलती नहीं क्योंकि माल तेजी होने के कारण ऐसे ही बिक जाते हैं, तो इसलिए मैं पीछे वीडियो नहीं बना पाया। जान लेंगे आज का मंडी का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज का अपडेट करो जी नींबू का जी। आज 5 गाड़ी मद्रास की है। हाँ जी। और 2 गाड़ी श्रीगोंडा है। अच्छा, 1 गाड़ी बीजापुर है। हाँ जी। मतलब 1 बीजापुर की पूरी गाड़ी है, 1 टेम्पू है बीजापुर। अच्छा, और ये अपना महाराष्ट्र का कितना रहा जी है? महाराष्ट्र का खाली 2 गाड़ी है। अच्छा जी, श्रीगोंडा का डब्बे। अच्छा जी। हाँ, तो फिर क्या बाजार चला जी आज का, कहाँ कहाँ का जी बाजार? देखो, शनिवार को जो पोजीशन थी 70 रुपए किलो थी। अच्छा जी। आज उससे ऊपर रहेगी। अच्छा जी। आज मद्रास की 5 गाड़ी थी, 5 गाड़ी बिक गई। रात को ही उठ जाती है जी आप? नहीं नहीं नहीं, सुबह 8 बजे लगी है, 7-8 बजे। अच्छा, सारी उठ गई, अभी कोई रेट फाइनल नहीं किया। अच्छा जी, आजकल बोलियां क्यों नहीं हो रही इतनी ज्यादा? बोली वाला माल कम आ रहा है, बोली वाला राजकोट 1 गाड़ी आई थी, वो बोली वाला बिका है। अच्छा जी, राजकोट का क्या बाजार चला जी? राजकोट का बिका है 1600-1700 रुपए से लेके 2200 रुपए तक। 1600-1700 से लेकर 2200 रुपए की बोरी? कितना? ना ना ना, क्रेट। क्रेट जी। हाँ। और वजन कितना जी क्रेट? 23-24 किलो क्रेट। अच्छा जी। हाँ। और अपना ये श्रीगोंडा? श्रीगोंडा डब्बे की पोजीशन समझ लो 1500 रुपया 1600 रुपया डब्बे की पोजीशन। और वजन कितना जी डब्बे में? वजन 20-20.5 किलो। अच्छा जी। और अपना ये राजकोट का जी? राजकोट 22-23 किलो क्रेट है, 24 किलो क्रेट है, 1600 रुपये से लेके 2000-2200 रुपये तक। अच्छा जी। और कौन सा इलाका है जी ज़्यादा? मद्रास आई है 5 गाड़ियाँ। हाँ जी। उसका कोई रेट नहीं है, शनिवार को 24-25-2600 रुपया बोरी लिखी थी। हाँ जी। आज उससे ऊपर लिखा जाएगा। अच्छा जी। अभी रेट कोई नहीं फाइनल हुआ। और वजन कितना हो जी उसमें बोरी? वजन 38-39 किलो कांटे पे बोरी है। अच्छा, 36 किलो नींबू है, 36-36 किलो नींबू। अच्छा, 36-36 किलो नींबू, यानी 2500 के 2600 के आसपास का अंदाजा जी? 2600 से 2800
ये समझो। अच्छा जी, 2600 से 2800 के बीच में रहेगा इसमें, 20-50 अभी ऊपर। रेट फाइनल कोई नहीं है, 25-26-2700 रुपया शनिवार बिका था, उससे आज ऊपर लिखा जाएगा। फिर तो ये लगा लो कि आप 2600 से 3000 के बीच में हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, 3000 के आसपास भी पहुंच सकता है बढ़िया वाला जी। हाँ अच्छा जी अच्छा, तो अभी तो यही बाजार चलेगा जी, बिक्री बढ़ गई अब? नहीं नहीं, पीछे भी माल कम में है और पीछे भी रेट ज्यादा है। अच्छा जी, 70 रुपए किलो आंध्रा में रेट है, 70 रुपए किलो श्रीगोंडा महाराष्ट्र में रेट है। अच्छा जी, इसलिए कहीं भी बाजार कम नहीं है, इसलिए दिल्ली जो पोजीशन है 80 रुपए से ऊपर ही चलेगी। अच्छा जी सर जी, जो आपकी व्यापारियों से आपके बात हुई हो, जैसे उनके खेतों में माल होता है जंगल में, नहीं नहीं, पिछले साल की आपकी बार कैसा माल है जी खेतों इस में? इस वक्त माल बहुत कम होता है। हाँ, हर साल ये होलियों के दिनों में बाजार बहुत तेज हो जाता है। अच्छा जी, हर साल यही माल फसल कम हो जाती है, श्रीगोंडा खत्म है। अच्छा जी, मद्रास नई फसल चालू हुई है, वो माल अभी पूरा निकला नहीं है। अच्छा जी, पूरा जोर करेगा 15 अप्रैल से के बाद में। 15 अप्रैल के बाद थोड़ा डाउन आ सकता है बाजार? डाउन तो 1 अप्रैल के बाद ही हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ 1 अप्रैल तक डाउन नहीं होगा, 31 मार्च तक बाजार स्टैंड रहेगा। होली के दिनों में भी ज्यादा बिकता है जी? हाँ ज्यादा बिकता है, वो जो दारू पीते हैं फिर भांग पीते हैं नशा तारने के लिए, होटलों में हर जगह सप्लाई होती है, नींबू चलता है ज्यादा। अच्छा जी, जो ज्यादा पी लेगा जी फिर नींबू भी तो पिएगा ना वो? हाँ पिए। हाँ जी, आप भी पिया जी कभी ये भांग? नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाते है, ना अंडा मीट शराब कुछ नहीं। अच्छा जी, बस धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत सर जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट? रामचंद इंदर मोहन वोरा, D399 आजादपुर दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर 9810160955। धन्यवाद जी। बात करते हैं प्याज की, जानते हैं प्याज का मंडी में आज का क्या कुछ रेट चला। आज आपको एक नया अर्थ मिलाते हैं, इनका भी प्याज में काफ़ी बड़ा काम है, जान लेते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है इनकी दुकान पे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज का अपडेट करो, मंडी में कितनी गाड़ी है जी आज? मंडी में आज का अराइवल 103 गाड़ी और 17 गाड़ी बैलेंस है। 103 में ही बैलेंस है जी वो? नहीं, 103 से अलग है, 17 गाड़ी नीचे फड़ पे बैलेंस है। पहली पुरानी जी, परसों की? हाँ जी। अच्छा, 103 आज नहीं आई जी? हाँ जी। तो कहाँ कहाँ का माल आ रहा भाई साहब जी अब मंडी में? मंडी के अंदर जो है महाराष्ट्र का प्याज आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है, MP का आ रहा है, नासिक का आ रहा है। अच्छा जी, तो सबसे ऊंचे में जो पुणे वाला प्याज है जी, इसकी क्या पोजीशन चल रही जी? पुणे का आज प्याज बिकाए 800 से लेकर 900 रुपए तक, 800 से लेकर 900 रुपए मन 40 किलो जी। अच्छा जी, और नासिक वाला भाई? नासिक वाला बिका है समझो 650 से लेकर 800 तक, 650 से 800 रुपए तक। और अपना गुजरात वाले की क्या पोजीशन? गुजरात का यहाँ बिक रहा है 400 से लेकर 750, 400 से 750। ये गुजरात का कौन सा इलाका रहा जी? ये आ रहा है भावनगर हो गया, तलाजा हो गया, महुआ हो गया। अच्छा, बड़ोदरा हो गया। अच्छा जी, और मध्य प्रदेश भी आ रहा जी अब? अभी एक आधी गाड़ी आ रही है उसका। अच्छा जी, उसके क्या कुछ चल रहा जी? उसका क्वालिटी अभी थोड़ा हल्का आ रहा है, वो 20 दिन बाद आएगा क्वालिटी बढ़िया। अच्छा जी, और अपना राजस्थान का जी? राजस्थान बिक रहा है समझो 300 से लेकर 470-480-500 सिर्फ जी। हाँ जी, ये राजस्थान का कौन सा इलाका भाई साहब जी? ये राजस्थान का सीकर वाला आ रहा है जी। अच्छा जी अच्छा, तो आपके पास ये कहाँ वाला माल है जी सारा? ये पूना का है, महाराष्ट्र का। अच्छा, ये पूना वाला है जी। हाँ जी, तो आपका प्याज से अलग और किस चीज का काम है जी? नहीं, खाली प्याज का जी, अपना प्याज का ही काम करते हो जी? हाँ जी। अच्छा, नाम क्या है दोस्त अपना? ललित है जी। ललित, ललित जी। और अपनी दुकान का क्या एड्रेस है जी इसका? बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी। हाँ जी, आजादपुर सब्जी मंडी। अच्छा जी, और भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर जी? कॉन्टैक्ट नंबर है 9899-550-959। अच्छा जी, इनमें कौन सा है जी आपका नंबर जी? अच्छा, दोनों है वैसे, नीचे वाला मेरा। अच्छा, दोनों ये आपके भाई का जी? एक नहीं, ये फादर का है। अच्छा, विनोद कुमार जी है। हाँ जी। अच्छा जी अच्छा, धन्यवाद जी दोस्त जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्तों बात करते हैं लहसुन की, जानते हैं लहसुन का क्या कुछ बाजार रहा मंडी में। दोस्तों आज आपको लहसुन के एक नए आड़ती से मिलाते हैं, इनका भी लहसुन में काफ़ी बड़ा काम है, जान लेते हैं आज की मंडी की क्या कुछ पोजीशन है और मंडी में कितना लहसुन आया। मिलवाते हैं आपको एक लहसुन के नए आड़ती से, इनका भी काफ़ी बड़ा काम है लहसुन में, जान लेंगे आज की क्या कुछ पोजीशन रही। नमस्कार सर जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। सर जी आज का अपडेट करो, पहले बताओ जी अपनी फर्म का क्या नाम है जी? मेरी फर्म का नाम BMA माइंड कंपनी है। अच्छा जी, ये 275 नंबर दुकान है दिल्ली में, जातपुर मंडी में। अच्छा जी, तो आपका लहसुन का ही काम है जी? बिल्कुल, लहसुन का काम। तो इसके अलावा और क्या बेचते हो जी आप? सिर्फ लहसुन बेचते। लहसुन बेचते, 12 महीने लहसुन का ही काम है जी। अच्छा जी, तो आज मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई जी? मंडी में आई 22-23 गाड़ी आई। अच्छा जी, 22-23 गाड़ियाँ आ रही जी। अच्छा जी अच्छा,
तो ये नया वाला ही आ रहा जी सारा जी? सिर्फ नया लहसुन आ रहा। अपने पास कहाँ का माल आ रहा जी? ये अपने पास एमपी का माल आ रहा है जी, एमपी का इस समय माल आ रहा है सारी मंडी में ही जी। सारी मंडी में अब छिपा बड़ो चालू हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, जिसको ऊटी बोलते हैं वो? हाँ, ऊटी का बीज होता है। अच्छा जी, छिपा बड़ो में पैदा होता है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो आज की क्या पोजीशन है जी? आज की पोजीशन लहसुन की 13 रुपए किलो से लेकर, हाँ जी, और 30 रुपए किलो जो ऊटी वाला है वो समझ लो 20 रुपए से लेकर और 40-42 रुपए किलो तक। अच्छा जी, जो नॉर्मल बाजार है वो 13 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक। 30 रुपए तक ही? बिल्कुल। ये किस रेंज का बिका जी माल? ये समझ लो 27-28 रुपए किलो तक का माल है ये। अच्छा, ये 27-28 रुपए किलो का जी है। बढ़िया से बढ़िया, इसमें अच्छा थोड़ी सी और क्वालिटी किस हो जाए तो समझ लो 30 रुपए हो जाता है। अच्छा जी, ये 27-28 का है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, जो क्वालिटी बढ़ी हो वो 30 का जी? 30 का हो जाता है। और जो दूसरे वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं जी, ये ऊटी का है, ये 35 रुपए से लेकर 38 रुपए किलो तक का बिक रहा है। ये 35 से 38 रुपए का? ये इसकी कली थोड़ी मोटी है आप देखोगे। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी। तो ज्यादा से ज्यादा बस मंडी में 40 रुपए का बाजार है जी? वो तो एक्स्ट्रा है, देखो 40 से ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाए तो उसका रेट नहीं होता, वो 2-4 रुपए ऊपर भी बिक जाती है, पर वो गाड़ी में 10 कट्टे नहीं आते, 15 कट्टे। अच्छा जी, बाकी ज्यादातर माल 12-13 रुपए मीडियम, लड्डू चाल का 20-21 और मोटी टपक में माल 29-30 मैक्सिमम 30-31 रुपए। अच्छा जी, जो आपकी बात हुई आपके व्यापारियों से जी, तो पीछे फसल कैसी है जी आपकी? फसल पूरी है, कोई कमी नहीं है, फसल ज्यादा ही होगी पिछली बार से। पिछली बार से ठीक है जी फसल? व्यापारी यही बताते हैं कि डेढ़ा फसल है इस बार। अच्छा जी, यानी निकलता कितना है तब पता लगेगा थोड़ा बहुत, अभी तो नया चालू हुआ है ना। अच्छा जी, फिर नए में भी काफी रेट तो डाउन आ लिया जी? बिल्कुल, अभी बिल्कुल डाउन ही आता है जी, नए में हर साल डाउन आता है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा डाउन आ गया। अच्छा जी, हमेशा डाउन हो, अब की बार थोड़ा सा ज्यादा डाउन आया जी? हाँ, पिछली बार 40-45 रुपए बिक रहा था, इस बार 30 रुपए ही रह गया। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी, बड़ी खुशी हुई जी जानकारी। सर जी, अपनी एक बार दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जी, किसी व्यापारी को माल बेचना हो आपकी दुकान पे या खरीदना हो। मेरी दुकान का एड्रेस है A275 सब्जी मंडी जातपुर। हाँ जी, मोबाइल नंबर है 9811-2000-09। अच्छा जी, सर जी कार्ड हो तो एक कार्ड दिखा दो जी अपना। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इन भाई साहब का निचले वाला नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका 12 महीने लहसुन का ही काम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।